आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग स्पर्म और सीमन को एक ही समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों अलग अलग हैं और सीमन के अंदर स्पर्म होता है। इसके अलावा स्पर्म और सीमन के बीच कई और भी अंतर हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बता दें, स्पर्म एक तरह का माइक्रोस्कोपिक सेल यानी कोशिका होती है जो सीमन का हिस्सा है, और स्पर्म का मुख्य काम होता है महिला के शरीर के अंदर मौजूद एग्स को फर्टिलाइज करना। वहां तक उसे जो बॉडी फ्लूइड पहुंचाता है उसे सीमन कहते हैं, और सीमन का उत्पादन अलग अलग मेल सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। अब इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, स्पर्म और सीमन। स्पर्म ये शब्द ग्रीक वर्ड स्पर्मा से बना है जिसका अर्थ होता है बीज, जबकि सीमन लैटिन वर्ड सेरेरे से बना है जिसका अर्थ है रोपना। आसान शब्दों में समझे तो पीनस से बाहर निकलने वाला व्हाइटिश कलर का लिक्विड सीमन है, जबकि फ्लूइड के अंदर मौजूद रहने वाले हजारों लाखों सेल्स को स्पर्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।